शेख रेहान से बात करते हैं। हेलो हेलो, अनम्यूट करो भाई। शेख रेहान हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? आ रही है, आ रही है, ठीक आ रही है आवाज। क्या हाल है? ये मेरा इंटरनेट बहुत ही छलांगे मार रहा है। चलें कोई नहीं, अभी तो ठीक आ रही है। कोई नहीं, क्या अभी मैं बात? ड्रॉप हो जाऊँ तो कोई माइंड मत करना, क्योंकि नहीं अभी माइंड आ क्या, नहीं, कोई बात नहीं जी। हाँ, हेलो मैं कुछ हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही है अच्छे से मेरी। आ रही आ रही, ठीक आ रही है। हाँ हाँ, तो क्या थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है? मैं आज कुछ इंटरेस्टिंग सवाल तो लेके नहीं आया हूँ, लेकिन मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द थियर्स पूछते रहते हैं। तो पहला सवाल ये है कि एक आर्ग्यूमेंट रहता है कि ये जो यूनिवर्स के अंदर एनर्जी और मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो इस तरीके से हुआ है कि वो हो ही नहीं सकता बिना क्रिएटर के। मतलब कि एक स्पेसिफिक टारगेट को इन्होंने अचीव करके मिला है हमारे यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस में आने का। तो आपको समझ में आई मैंने क्या कहा बात आपको? हाँ, समझ आ गई है, मगर मसला यह है कि जी ये बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो कि कोई बड़ा वो हो। भाई आप सोलर सिस्टम में देख लें, 0.00001% ऑफ द सोलर सिस्टम जो है ना वो हैबिटेबल है, बाकी तो कोई है भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप और क्या फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट पे क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप? यार, फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट, फाइन ट्यूनिंग है ही नहीं है, ये तो ऐसे बकवास है ना भाई। अगर मतलब पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ पे लाइफ हो सकती है, चांद पे भी लाइफ नहीं हो सकती। देखिए चांद तो 100% हैबिटेबल जोन में है ना, है कि नहीं है? जी बिल्कुल, चांद तो गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर है, उस पे तो लाइफ होनी चाहिए थी, फिर उस पे भी क्यों नहीं हुई? वाह, फिर कोई ये कहे कि जी हम नहीं बड़े, सिचुएशन बड़ी स्पेशल है, तो नहीं है स्पेशल भाई। नहीं मैं उस हवाले से नहीं कह रहा, यूनिवर्स की कॉन्स्टेंट्स की फाइन आप ट्यूनिंग की बात गालिब की कर एक रहा और हूँ। स्ट्रीम भी सुने, अर्थ अभी हैबिटेबल जोन में, आज से 1 बिलियन साल बाद नहीं है, तो हैबिटेबल जोन भी एक मिथ है। सही है, तो ये भी एक फाइन ट्यूनिंग ये मिथ है। आज से 1 अरब साल बाद अर्थ वुड नॉट बी, हम नहीं रह सकेंगे इस पे। ये हमारा अर्थ मार्स की तरह होगा या वीनस की तरह होगा मोस्ट लाइकली। जी बिल्कुल, तो ये हैबिटेबल जोन और ये जो फाइन ट्यूनिंग है, दैट्स आल्सो अ मिथ। अगर आप यूनिवर्स की लाइफ के ऊपर देखेंगे, इट्स नथिंग। So, ये बहुत ही बेसिक आर्ग्यूमेंट है जिनको पता नहीं है कि हैबिटेबिलिटी है क्यों, वजह क्या है, कब तक है या नहीं है। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्स के कॉन्स्टेंट्स फाइन ट्यून्ड है, वो ये कहता यार अगर वो ना फाइन ट्यून्ड होते, बात ये है कि यूनिवर्स यूनिवर्स के जो कॉन्स्टेंट्स हैं, अगर वो किसी भी और तरह से होते तो क्या होता? आप और मैं कभी क्वेश्चन पूछ ही ना सकते कि भाई यूं फाइन ट्यून्ड क्यों है। अब एक बात है कि फर्ज करें हम हाइपोथेटिकली मल्टीवर्स को ले लेते हैं, ठीक है, मल्टीवर्स है और इनफिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, यूनिवर्स लाइफ के लिए फाइन ट्यून्ड क्यों है, ये सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सेस में पूछा जाएगा जहां पे फाइन ट्यून्ड होगा, बाय चांस भी फाइन ट्यून्ड हो तो। समझ गए? उन यूनिवर्सिस में तो पूछा ही नहीं जाएगा जहां पे फाइन ट्यून ना हो। इवन कि अगर फर्ज करेंगे हमारा यूनिवर्स साइक्लिकल हो और ये इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स रीबर्थ और डेथ के फिनोमेना से गुजर चुका हो, तो ये क्वेश्चन कि हम कहां से आए हैं और कब एग्जिस्ट करेंगे, ये सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिस में पूछा जाएगा जहां, जब यूनिवर्स के अंदर लाइफ पॉसिबल होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ना, लोग ये समझते हैं ये असल में ये हमारे पास इंजन और ट्रेन वाला प्रॉब्लम है कि बग्गियां घोड़े से आगे नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, समझ गए बात आप? घोड़ा ये है कि यूनिवर्स यूनिवर्स जो है लाइफ पैदा करने के काबिल होगा, तो उसके बाद बग्गी आएगी कि लाइफ ये क्वेश्चन करेगी कि भाई मैं क्यों मौजूद हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ जो है वो ये क्वेश्चन करे मैं क्यों मौजूद हूं और यूनिवर्स में लाइफ हो ही ना। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि असल में ये क्वेश्चन सोचने के लिए जो पहला प्री रिक्विजिट है ना, वो ये है कि यूनिवर्स इस काबिल होना चाहिए कि उसके अंदर जिंदगी हो, और जब उसके अंदर जिंदगी होगी तो जिंदगी ये सवाल पूछेगी और फिर वो हैरान होगी। इन्फिनिट इटरेशन के थ्रू यूनिवर्स गुजरने के बाद भी अगर लाइफ पैदा कर रहा है, तो सिर्फ उन्हीं इटरेशन में लाइफ क्वेश्चन करेगी जब लाइफ होगी। तो और हमें ये नहीं पता कि यूनिवर्स फाइन ट्यून्ड क्यों है।
व्हाट रिजल्टेड इन दिस फाइन ट्यूनिंग, अभी जो हम जिसको कहते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इनफिनिट साइकल्स हों, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने फाइन ट्यून किया हो, मगर हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमें कोई एविडेंस नहीं देगा, क्योंकि हम बातों को सिर्फ एविडेंस की बेस के ऊपर ही सच और झूठ कह सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में और कोई तरीका नहीं है जिसकी बेस पे आप ये कहें कि फलां चीज जो है वो यूं है और एविडेंस ना हो, ठीक है। वही है बात। तो असल क्वेश्चन एविडेंस आप थोड़ा बहुत, जी जी, तो इस आर्गुमेंट पे आप थोड़ी एग्नोस्टिक की पोजीशन ले रहे हैं। नहीं, तो वो तो मैंने आपको पहले भी, मैं कई बार आपको ये बताता हूँ ना कि फिलोसॉफिकली तो भाई मैं, हाँ, मगर साइंटिफिकली अगर मुझसे कुछ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इस बात के ऊपर मैं एग्नोस्टिक, और एग्नोस्टिक सिर्फ खुदा के क्वेश्चन पे नहीं हुआ जाता। एग्नोस्टिक तो यूनिवर्स क्यों बना हमें नहीं पता, ठीक है, यूनिवर्स कैसे बना हमें नहीं पता, इस बात पे भी मैं एग्नोस्टिक हूँ, ठीक है। मेन बात ये है कि नॉस्टिक मैं तब होऊंगा जब मेरे पास एविडेंस होगा, ठीक है। नॉसिस का मतलब है ना नॉलेज, ठीक है, और एक्यूरेट नॉलेज जो है वो सिर्फ एविडेंस से मिलता है। एविडेंस जब नहीं है तो हम कहां से लाएं भाई, बात ये है। हाँ जी हाँ, लेकिन यही आर्गुमेंट पे मेरा भी एक काउंटर आर्गुमेंट ये रहता है कि जब भी हम ये कहते हैं कि यूनिवर्स के कांस्टेंट फाइनली ट्यून्ड है, तो वो ये प्रेमिस लेके चलते हैं कि ये कांस्टेंट्स वेरी कर सकते हैं। तो ये इस प्रेमिस पे कैसे आते हैं कि ये कांस्टेंट्स वेरी भी कर सकते हैं एक टाइम पे? देखें, ये बातें तो फिजिसिस्ट की बातों से निकल के आई हैं और हाइपोथेटिकल हैं। दूसरी बात है कि वाकई आपका जो पॉइंट है ये भी बड़ा वैलिड है कि क्या हमारे पास इस बात का कोई एविडेंस है कि कांस्टेंट्स वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाँ, अगर कांस्टेंट्स वेरी कर सकेंगे तो मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करेंगे, तो फिर से फाइन ट्यूनिंग का आर्ग्यूमेंट डिबंक हो जाएगा अपने आप। डेफिनेटली, फिर से जैसे हम अभी सोलर सिस्टम के लेवल पे फाइन ट्यूनिंग के आर्ग्यूमेंट को, गैलेक्सी के लेवल पे फाइन ट्यूनिंग के आर्ग्यूमेंट को, और इवन के अर्थ और मून के लेवल पे फाइन ट्यूनिंग के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं, डिबंक कर रहे हैं, बल्कि इस तरह फिर मल्टीवर्स के केस में भी डिबंक हो जाएगा टोटली, ठीक है। मगर दोनों साइड से गिर रहे हैं। हमारे पास तो सिर्फ एक ही बात है कि भाई हमें एविडेंस दो तो हम मान लेते हैं, एविडेंस नहीं है तो थियिज्म लोग, थियिस्ट लोगों के पास यही पोजीशन रहती है कि फाइन ट्यूनिंग की एक्सप्लेनेशन सिर्फ गॉड ही और गॉड के अलावा कोई है नहीं। और ये बहुत बड़ा टर्नल विजन है ना, क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी बात को साबित करना चाहते हैं फाइन ट्यूनिंग के आर्ग्यूमेंट के जरिए, हालांकि उनके पास ये लीप ऑफ फेथ डालने के लिए कोई रीजन नहीं है कि गॉड ही सिर्फ फाइन ट्यून कर सकता है। जी, लेकिन मैं इसके हवाले से पर आपसे बात करना चाहूंगा। इसी बात के हवाले से मैंने एक मुफ्ती की डिबेट देखी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप मेरी बातों से समझ जाने वाले। उसको एक बंदे ने जाके पूछा कि ये फाइन ट्यूनिंग हुई, यासर वाजदी साहब ने उनसे पूछा, सॉरी मैंने नाम ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जाके पूछ, उन्होंने काउंटर सवाल ये किया कि ये यूनिवर्स फाइनली ट्यून क्यों है, फिर तुम बताओ। तो बंदे ने जवाब दिया कि हमारे पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, हो सकता है मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता हो और उसकी वजह से यूनिवर्स हमको, हमें ये लग रहा है कि हम फाइनली ट्यून्ड है लेकिन हम शायद ना हो। उन्होंने कहा नहीं, ये तो एक फिर फेलेशियस क्लेम है, क्योंकि आप ये क्लेम करते हैं कि मल्टीवर्स एक फिजिकल थिंग है और हमें उसका एविडेंस दिए, जबकि आप गॉड की एक्सप्लेनेशन पर एतराज नहीं कर सकते क्योंकि गॉड एक सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन है। नहीं तो हम गॉड को सुपरनेचुरल क्यों कहें, हम हाइपोथेटिकल कहते हैं, जितना मल्टीवर्स हाइपोथेटिकल है उतना गॉड भी हाइपोथेटिकल है, और बस हाइपोथेसिस की कोई वैल्यू नहीं होती। वो वाजदी जो है वो आपका बेचारा वो हर पॉइंट के ऊपर सुपरनेचुरल के पीछे छुप रहा है, ठीक है, समझ गए बात। ये चाहते हैं कि साइंस से ये हर एविडेंस मांगे और अपनी चवलियात का कोई एविडेंस ना दें, ठीक है, सिंपल सी बात। बात यह है कि इससे कुछ भी साबित नहीं होता, इससे सिर्फ बेवकूफ इंसान साबित होता है। वही मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरीके के लोगों से दूरी रहे तो अच्छा है। नहीं दूर, वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई बायकॉट करें, मगर मसला यह है कि उनके आर्ग्यूमेंट्स फजूल ही है ना असल में। क्या आर्ग्यूमेंट है ये, बोंगी ऐसी। चले फिर और बुनियाद है। जी बिल्कुल, हाँ, सुपरनेचुरल की बुनियाद है कोई है आपकी नजर में? नहीं यार, सुपरनेचुरल तो सिर्फ एक क्लेम ही होता है ना, अनजस्टिफाइबल अनफॉल्सिफाइबल क्लेम है। इनके सामने ये, इनके पास है क्योंकि उनको पूछा गया, दोनों बोले कॉन्शियस ने कि सुपरनेचुरल चीज है। अच्छा तो फिर हां, कॉन्शियसनेस एक सुपरनेचुरल चीज है, तो इससे ये साबित होता है कि सुपरनेचुरल चीजें भी होती है।
तो उसने कहा कॉन्शियसनेस उसने साबित कैसे किया कि सुपरनेचुरल है? क्योंकि हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है फिजिकल, नहीं जिसकी फिजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है तो वहां पे अपना खुदा घुसा देना, ठीक है, गॉड ऑफ द गैप्स। हां एग्जैक्टली वही बात है, यही ठीक है। तो फिर और कोई बात नहीं करूंगा मैं आज थोड़ी मेरे बातों में लड़खड़ाहट होगी क्योंकि 3-4 दिनों से अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ है मेरे पर। क्यों खैर है, क्या हुआ? अरे यार बीमार हूँ मैं। चले कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप और मोमिन से बात करें आप। चले ठीक है, ओके थैंक यू, बाय बाय। एक मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट लगा लेता हूँ उसके ऊपर, फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट के ऊपर। ऑल्दो आई वुड रेकमेंड कि 2 हफ्ते पहले, आई थिंक सो 2 संडेज बैक, हाजी भाई के चैनल के ऊपर हमने इस पर डिस्कशन की और उसका क्लिप भी हाजी भाई और मोमू ने एक्सट्रैक्ट करके डाला हुआ, ठीक है। तो वो जो डिटेल में देखना चाहते हैं फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट की डिकंस्ट्रक्शन, वो जरूर क्या कहते हैं उसको जाके देखें। बाकी यह है कि जो हमारे जो कॉलर आए थे वो अयान, वो पूछ रहे थे फाइन ट्यूनिंग, जो कॉस्मिक फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट है उसकी डिकंस्ट्रक्शन के बारे में। तो उसको 2 लेवल पर डिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और किया जा सकता है। जो सबसे उसकी स्ट्रॉन्ग डिकंस्ट्रक्शन है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यानी उसके अंदर, वो यही है। सबसे पहले ये, जो लोग अगर फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट को नहीं उन्होंने पहले कभी सुना हुआ, तो बड़ा मशहूर आर्ग्यूमेंट है ये, एक किस्म का डिजाइन आर्ग्यूमेंट ही है मगर रैप्ड है इन सम मोर साइंटिफिक लैंग्वेज। पॉइंट ये है कि आपके बहुत सारे फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं फिजिक्स के अंदर, लाइक ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, वो आपके फोर्सेस की स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग नूक्लियर फोर्सेज और वीक न्यूक्लियर फोर्सेज की स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये जरा सी भी दाएं बाएं होती ये कॉन्स्टेंट्स, तो शायद यूनिवर्स एग्जिस्ट ना कर सकती, ठीक है, और फिर आगे यूनिवर्स की एवोल्यूशन ना होती, और फिर जब यूनिवर्स की एवोल्यूशन ना होती तो गैलेक्सीज फॉर्म ना करती हैं और वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है जी, आगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की किन ना होती। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो ये है कि वो ये समझते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज जो है, इनकी डिफरेंट वैल्यूज शायद इक्वली लाइकली है। यानी जब वो निकालते हैं ना कि बड़े बड़े क्रिएशनिस्ट, क्रिश्चियन ओरिजिन के क्रिएशनिस्ट में ये ज्यादा पॉपुलर है, और जाहिर बात है कि जो मुसलमान अपोलोजिस्ट हैं उनके पास को 15-20 साल बाद वो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं जो क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट 15-20 साल पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, 15-20 साल ये बात बोलना शुरू करते हैं और वो भी गलत। हाँ वो भी गलत। तो उसमें ये है कि वो जो क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट की अगर आपने कभी कोई वीडियो देखी हो, तो वो कहते हैं कि जी देखें ये एक कॉन्स्टेंट है, इसकी ये पर्टिकुलर वैल्यू है जिसकी वजह से बाकी सारी चीजें इनेबल हो रही हैं। तो अगर ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज ले सकता, फर्ज करें वो 100 वैल्यू ले सकता, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकती है, वो कंटिन्यूस भी हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं कि जी किसी एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी फिर 1/100 है, ठीक है। अगर 100 पोटेंशियल वैल्यूज हैं, आप 1000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, मिलियन कर सकते हैं, तो ये कहते हैं कि जी एक किसी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी जो है 1/ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है, विच इज वैनिशिंगली स्मॉल, इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम जीरो, तो बहुत ही अनलाइकली है, देयरफॉर गॉड, देयरफॉर फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। ये फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर है। तो आप ये देखें कि ये फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट किस प्रेमिस पर बैठा हुआ है, और हम देखते हैं कि क्या उस प्रेमिस की कोई वजह है कि हम उस प्रेमिस को स्टार्टिंग प्रेमिस माने या ना माने। वो इस प्रेमिस पर खड़ा हुआ है सारा फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट कि तमाम पॉसिबल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, दे आर ऑल इक्वली लाइकली, क्योंकि 1/ द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज तभी होती है जब तमाम जो पॉसिबिलिटीज है उनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। जिस तरह अगर मैं डाई रोल करता हूं तो उसकी 6 साइड्स हैं, और अगर फेयर कॉइन है तो आप कहते हैं कि जी हर एक की 1/6 है क्योंकि 6 पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब आप ये कहते हैं ना सारों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है और 1/ द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, इसका मतलब है कि आप ये मान रहे हैं कि आपको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता है, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं जिससे आपको पता लगता है कि इन पैरामीटर्स की वैल्यू ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है। वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एक्सेसिबल ही नहीं है,
तो हम बात कैसे इस पे कर सकते हैं? यानी अगर तो ये होता कि आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सेस की एग्जांपल्स होती, हमारे पास तो एक यूनिवर्स है, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सेस की एग्जांपल्स होती, फिर आप एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उन कांस्टेंट्स की चेक करते तो फिर आपको बात कर सकते थे। चूंकि आपके पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद नहीं है उन पैरामीटर्स की वैल्यूज की, फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट्स किक स्टार्ट ही नहीं कर सकता, किक ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर खड़ा हुआ है। तो एक तो पहली बात यह है कि यहीं पर फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट डीकंस्ट्रक्ट हो जाता है, डिस्पोज ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसका पहला प्रेमिस ही नहीं, क्या कहते हैं, आपके पास कोई बेसिस ही नहीं है। दूसरा जो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग और क्यूरियस एस्पेक्ट है फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट का, वो ये है कि दरअसल फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट अगर आप पूरी दयानत से गौर करें, दरअसल एक एंटीथियस्टिक आर्ग्यूमेंट है। ये लोग समझते हैं कि ये गॉड को सपोर्ट कर रहे हैं फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट से। इफ फाइन ट्यूनिंग इज करेक्ट, लेट सपोज फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ये एक एंटी गॉड आर्ग्यूमेंट है। वो क्यों? वो ये कह रहे हैं कि भाई एक ही पॉसिबल सेट ऑफ कॉम्बिनेशन जो है ना, वो उससे यूनिवर्स बन सकती थी। वो भाई अगर एक ओमनीपोटेंट गॉड है, उसके लिए तो कोई कॉम्बिनेशन काम कर देना चाहिए था। द फैक्ट कि एक ही पर्टिकुलर पे आके ये अगर यूनिवर्स बन रही है और बाकी सारे, यानी कि जो फेवरेबल है फॉर द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एंड गैलेक्सीज एंड लाइफ, तो इस पे तो आपको यहाँ माथा ठनकना चाहिए ना, क्योंकि गॉड तो किसी भी सेट ऑफ कॉम्बिनेशन को कमांड कर सकता है। तो दरअसल ये कहना कि सिर्फ एक काम करते हैं बाकी सब फेल कर जाएंगे, ये एक एंटी गॉड आर्ग्यूमेंट है। तो फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट, इफ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइन ट्यूनिंग की बेसिस नहीं है, इफ फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट इज ट्रू देन इट इज मोर इन लाइन विद अ गॉडलेस यूनिवर्स एज कंपेयर टू अ यूनिवर्स विद अ गॉड। ये बात है, यानी नतीजा क्या निकला? फाइन ट्यूनिंग, आप लॉजिक की बात करते हैं ना, यहाँ तो फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट ठीक है, यहाँ तो फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट गलत है। दोनों सूरतों में गॉड का कोई चांस नहीं है। दोनों सूरतों में ही गॉड का कोई चांस नहीं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।